दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एस्टेरा से अर्निंग करने का एक ऐसा ऑटोमेटिक मेथड शेयर करने वाला हूं। इस सेटअप को आपको सिर्फ एक बार कर देना है और उसके बाद आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपके यहां पे अर्निंग होती रहेगी। और जो मेथड आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, आज से पहले आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इस तरह से अगर आप अर्निंग करेंगे तो आपके यहाँ पर डे ऑटोमेटिक अनलिमिटेड अर्निंग भी होने वाली है। और इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एस्टेरा का अकाउंट भी यहाँ पे सेफ रहेगा, वो कभी भी डिसेबल नहीं होगा। तो अगर आप भी इस ट्रिक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो फिर आप इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे और आपका एस्टेरा का अकाउंट भी यहां पे सस्पेंड हो जाएगा, आपकी अर्निंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक मेथड होने वाला, 100% सिक्योर और सेफ मेथड होने वाला है। इसमें आपका एस्टेरा का अकाउंट भी सेफ रहने वाला है और आपकी यहाँ पे अर्निंग भी काफी अच्छी होने वाली है। आपको करना क्या है अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एस्टेरा पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको एस्टेरा पे आना और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, एज पब्लिशर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, उसमें अपनी डिटेल फिल करनी है और आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना नेम देना है, यूजर नेम सिलेक्ट करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, मैसेंजर की आईडी देनी है, पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ पे साइनअप कर लेना है। उसके बाद अपने ईमेल को वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उसमें लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये मेरा एक ओल्ड अकाउंट है, इसको मैंने वर्क नहीं किया था तो काफी टाइम से देखिए इनएक्टिव भी हो चुका है, लेकिन मैं अपना एड कोड जनरेट करूंगा तो फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कोई वेबसाइट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है डायरेक्ट लिंक की और उसी के थ्रू हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप करने वाले हैं। ऑटोमेटिक हमारी डायरेक्ट लिंक से यहाँ पे अर्निंग जनरेट होती रहेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने आज से पहले जो मेथड देखे होंगे उसमें आपको एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 12 डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे जनरेट करके रखनी है। जैसे कि मैं एक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे 1x1 करके यहाँ पर आपको 10 से 12 डायरेक्ट लिंक अपनी यहाँ पे ऐड कर लेनी है, यानी कि क्रिएट कर लेनी है। तो अभी ये पेंडिंग है, 1 से 2 मिनट में यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगी। अब उससे पहले बात कर लेते हैं कि अब आपको करना क्या। सपोज कीजिए कि आपने 10 यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जनरेट कर ली है, 12 जनरेट कर ली। अब इसके बाद आपको आ जाना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद सबसे पहले तो एक नया ब्लॉग आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से कोई ब्लॉग है तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आप फ्रेश चाहें तो फ्रेश क्रिएट कर लीजिएगा और अगर आपके पास पहले से कोई ब्लॉग है तो आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी ये ट्रिक 100% वर्क करेगी। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ भी एक नेम दे देता हूँ और चलिए इसका URL कुछ भी मैं रख लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। चलिए मैं ऐसे सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से आपको सबसे पहले अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लेना है और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्लॉग है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ब्लॉग हमने क्रिएट कर लिया, अब इसके बाद यहाँ से कोई भी एक थीम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए कोई एक अच्छी सी थीम मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इस वाली थीम को, नियोन वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। अब थीम हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक सिंपल सा ब्लॉग हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये हमने थीम ली थी। अब आपको यहाँ पे कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं डालना दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप सोच रहे हो कि इसमें आपको आर्टिकल वगैरह लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। ऑलरेडी पहले से कोई ब्लॉग है तो आप उसको यूज कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको चले जाना है अपने थीम वाले सेक्शन पे, एरो पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट HTML वाला जो आपको ऑप्शन है आपको इस पे चले जाना है। अब इस पे जाएंगे तो आपके ब्लॉग की, आपके थीम की जो भी कोडिंग है पूरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे चौथी या पांचवी लाइन में आपको यहाँ पे एक हेड का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। आप कोई भी थीम यूज कीजिए, चौथे पांचवें नंबर पर आपको हेड का ऑप्शन मिल जाता है, इसके नीचे आपको एंटर करना है और जगह कर लेना है। तो चलिए मैं थोड़ी ज्यादा जगह कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊं। अब इसके बाद आपको करना क्या दोस्तों कि मैंने आपको एक कोड प्रोवाइड किया है, वो कोड आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता क्योंकि इस तरह की लिंक देना YouTube की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाके आप उस कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको एक इस तरह का कोड मिलेगा।
इस पूरे कोड को आप यहाँ से कर लीजिए ऑल सिलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का कोड है, तो अभी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 9 से, यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको चेंजिंग क्या क्या करना है। तो चेंजिंग के लिए सबसे पहले तो इस कोड के लास्ट में आइए, और यहाँ पर आप देखिए ये आपको एक लिंक दिखेगा, ये बिटली से शॉर्ट किया हुआ, तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इस वाली का नहीं है, दूसरी वाली का है। तो आपको क्या करना है, आपने जो वेबसाइट क्रिएट की है या फिर आप जिस ब्लॉग पे इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके लिंक को ऐसे कॉपी कीजिए, गूगल पे जाइए, यहाँ से कटली या बिटली कोई भी शॉर्टनर वेबसाइट आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से बिटली को ही सर्च कर लेता हूँ, इसको ओपन करेंगे और अपने ब्लॉग का जो URL है इसको हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले शॉर्ट। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्लॉग का URL यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना है। तो ये बोल रहा है कि आपको इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा, तो चलिए मैं साइन अप कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ पे साइन अप कर लेना, साइन अप विद गूगल कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। अब साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको अपने लिंक को शॉर्ट कर लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने ब्लॉग के URL को पेस्ट करके और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं शॉर्ट। चलिए नीचे आते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा URL यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, आप कोई सा भी शॉर्टनर यूज कर लीजिएगा अगर आप उसमें लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे लाके ये जो पहले से URL है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और इसकी जगह आपको अपने ब्लॉग का यानी अपने ब्लॉगर की वेबसाइट का आपको यहाँ पे URL पेस्ट करना है। अब ये क्या काम करेगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे क्या होगा दोस्तों कि हर 30 सेकंड में आपका जो ये ब्लॉग है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होगा, क्योंकि अगर एक ही बार में सारे व्यू जाएंगे तो उसको आसानी से एस्टीरा ट्रेस कर लेगा और आपके अकाउंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर 30 सेकंड में आपका ब्लॉग यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, इसलिए लास्ट वाली लाइन का कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये 30 सेकंड का इसमें ड्यूरेशन है और ये रिफ्रेश लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको यहाँ पे आपको जो भी चेंजिंग करते जा रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे इसको सेव करते चले जाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर ये सारे के सारे डायरेक्ट लिंक पड़े हुए हैं, ये देखिए ये डायरेक्ट लिंक्स यहाँ पे पूरे पड़े हुए हैं, इन सबको आपको अपने डायरेक्ट लिंक से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये देखिए 10 से 12 डायरेक्ट लिंक यहाँ पे मैंने पटके हुए हैं, तो इसी तरह से आपको, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको 10-12 डायरेक्ट लिंक यहाँ पे क्रिएट करने हैं। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा लिंक यहाँ पे अप्रूव हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट में आपका लिंक यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, ये आपको भी पता है। ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा डायरेक्ट लिंक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मेरा डायरेक्ट लिंक है, तो इसको आपको ऐसे कॉपी आपने कर लिया। अब इस डायरेक्ट लिंक को आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये जैसे कि ये फर्स्ट वाला है इसको यहाँ से रिमूव कीजिए, इसकी जगह पर आपको अपना एस्टीरा का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद आपका जो सेकंड वाला होगा उसको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। मैं एक ही से आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं डालना है, आपको यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं इन सब में आपको अलग अलग डायरेक्ट लिंक अपना जनरेट करना है और यहाँ पर आकर उसको रिप्लेस कर देना है 1 by 1। इस तरह से आपको यहाँ पे सबको रिप्लेस कर देना है। तो चलिए मैं अपने डायरेक्ट लिंक से सभी डायरेक्ट लिंक को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सभी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, अपने URL को भी यहाँ पे शॉर्ट करके एंटर कर दिया। बस ये सेटअप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे मैं आपको एक चीज बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो चलिए अपडेट हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क किस तरह से करेगा, लेकिन ट्रिक अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपका एस्टीरा का अकाउंट यहाँ पे 100% सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ पे आधी ट्रिक हुई है, आधी ट्रिक के लिए वीडियो को देखते रहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अब इसके बाद में 5 सेकंड वेट कीजिए, अभी ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी एक पॉपअप में। 5 सेकंड बाद एक डायरेक्ट लिंक आपकी ओपन होगी, उसके बाद में सेकंड, ये अगर पॉपअप आपका ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ से आपको इसको को अलाउ कर देना है, यानी कि पॉपअप आपको अलाउ करके रखना है, तभी आपकी ट्रिक वर्क करेगी। और इस तरह से आपकी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे 1 by 1 करके इस पॉपअप में ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। पहली लिंक आपकी 5 सेकंड पे होगी, उसके बाद में 7 सेकंड पे, उसके बाद 9 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, इस तरह से आपके पॉपअप यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डायरेक्ट लिंक मेरी यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है, लेकिन बाकी की डायरेक्ट लिंक मेरे यहाँ पे वर्क कर रही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5-10 मिनट इस प्रोसेस को चलने देना, उसके बाद आपको सभी पॉपअप यहाँ से मैनुअली क्लोज करने होंगे, वरना आपके सिस्टम की रैम यहाँ पे फुल हो जाएगी और आपका सिस्टम यहाँ पे हैंग हो जाएगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 30 सेकंड में आपका ब्लॉग यहाँ पे रिफ्रेश होगा,
और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर आपकी डायरेक्ट लिंक इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक चलने वाला है, ब्लॉग भी आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और आपकी यहाँ पे पॉपअप में अलग अलग यहाँ पे आपकी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन होंगी। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नेट की स्पीड यहाँ पे काफी अच्छी होना चाहिए, तभी ठीक से आपकी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन होंगी। अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पर आपके लिंक भी ओपन होने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आज मेरा नेट काफी स्लो आ रहा है जियो में, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये मेरी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक चलती रहती है। अब इसमें आपको क्या करना है आगे मैं आपको वो और बता देता हूँ। अब जब तक आप इसको यहाँ से पूरी तरह से क्लोज नहीं कर देंगे इस वेबसाइट को, तब तक ये डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन होना बंद नहीं होंगी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चलती रहेंगी। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके सिक्योर के लिए कि इस तरह से आपका स्टेरा का अकाउंट सस्पेंड होने से कैसे आप बचा सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग तो हो जाएगी लेकिन इसमें आपको कुछ और भी करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको सर्च करना है टक्सलर वीपीएन। इस टाइम पर टक्सलर का यूज इसी काम के लिए सबसे ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि इस काम में परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो ये सेटअप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको टक्सलर वीपीएन को यहाँ पे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से आपको टक्सलर को इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद आपको और भी वीडियोज में आपने टक्सलर वीपीएन वगैरह का किसी दूसरे वीपीएन का मेथड देखा होगा, तो उसमें आपको अलग अलग लोकेशन के वीपीएन कनेक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस कंट्री से हैं, आप इंडिया से हैं तो इंडिया की लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए, बांग्लादेश से हैं तो वहाँ की लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए, पाकिस्तान से तो वहाँ की लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए, और हर बार आपको अलग लोकेशन सिलेक्ट करनी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आईपी होता है, आपके सिस्टम का जो टाइम एंड डेट वगैरह होता है ये, और आपका जो मैक एड्रेस होता है, सब कुछ आपका इंडिया के हिसाब से होता है, और आप यहाँ पे यूएसए की कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, बार बार उसको चेंज करना भूल जाते हैं, तो ये आसानी से ट्रेस हो जाता है और आपका अकाउंट हो जाता है सस्पेंड। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे इंडिया को ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जैसे कि ऑटोमेटिक है कि लोकेशन हमारी आ चुकी है दिल्ली। अब इस लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने ब्लॉग को ओपन करना है। 100-150 आपके ऑटोमेटिक पॉपअप यहाँ पे जब ओपन हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिक आपकी लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाए, ओपन हो जाए डायरेक्ट लिंक, उसके बाद आपको यहाँ से वेबसाइट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वीपीएन पे आना है और यहाँ से आपको रीलोड टू नेक्स्ट नियर बाई लोकेशन इस पे कर देना है। तो आपकी दूसरी लोकेशन यहाँ पे हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की जगह अब यहाँ पे गुड़गांव हो चुकी है। लेकिन ये टक्सलर वीपीएन के जो फ्री वर्जन है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तो चेंजिंग दिखा देता है लेकिन रियल में ये चेंज नहीं होती है। तो उसके लिए आपको करना है, चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि आप इसका पता कैसे करेंगे कि आपकी लोकेशन वाकई में चेंज हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, whoa.net। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्शन चेक हो रहा है, सिक्योर इंटरनेट इसने बता दिया है। और थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस बार चलती है ये आपकी 100% होना चाहिए, तभी आप पूरी तरह से 100% सिक्योर माना जाएगा आपका कनेक्शन और उसमें आपके अकाउंट सस्पेंड होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। लेकिन ये तभी आएगा दोस्तों जब आपका यहाँ पे वीपीएन आपकी ही कंट्री के किसी लोकेशन से कनेक्ट होगा, क्योंकि आपका टाइम वगैरह, आपका डीएनएस, आपकी प्रॉक्सी, आपका मैक वगैरह, होस्ट नेम वगैरह सब कुछ इंडिया का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे टक्सलर में लोकेशन चेंज कर दी, गुड़गांव बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी भी पुराने वाले भी सिलेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आती है। इसलिए आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आप जब चेंज कर देंगे तो ये यहाँ पे चेंज भी दिखा देगा, लेकिन देखिए फिर से दिल्ली आ चुका है, यहाँ पे रायपुर भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको चेक करके देख लेना है ये 100% आपका चेंज नहीं होता है। इसलिए आपको करना क्या है, टक्सल को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, क्लोज कर देना है, फिर से ओपन करना है, इंडिया सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आपकी दूसरी लोकेशन आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए, उसके बाद में फिर से आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल को यहाँ पे ओपन करना है। इस वाले लोकेशन से आप फिर से यहाँ पे 100-150 अपने डायरेक्ट लिंक को ओपन करा सकते हैं, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट कीजिए, फिर दूसरी लोकेशन लीजिए नियर बाई, फिर से इसी तरह से आपको पर डे यहाँ पे 3-4 बार क्लिक कर लेना है, जिसमें आपके 300-400 क्लिक आप यहाँ पे ले लीजिए, यानी कि 300-400 बार आपकी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगी और इससे आपकी यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग होगी। यह वन टाइम सेटअप आपको करना है। तो ये कोड मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कोड को ले सकते हैं, इसे अपने ब्लॉग पर सेटअप कर सकते हैं, अपनी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इस ऑटोमेटिक सिस्टम की हेल्प से आप एस्टेरा के अकाउंट से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।